एक भक्त थे। स्वभाव इतना सरल और सहज कि लोगों ने उसका नाम ही भोला रख दिया। भोला भक्त के जीवन का एकमात्र उद्देश्य, जीवन के एक वाक्य कोई भी पूछे, भोला वो कार्य कैसे हुआ था भैया, तू तो उस दिन वहां था, जरा बताना। तो भोला का एक पक्का वाक्य, भोला भगत कहे, मैं नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। मैं क्या जानूं, रघुनाथ जी जाने। ये भोला भगत के जीवन का महामंत्र था। इसी से उनकी सुबह शुरू होती थी, इसी से उनकी रात्रि शुरू होती थी, वो विराम भी उसी पर करते थे। अब भोला को बेटी का विवाह करना है। बेटों ने कहा, नगर सेठ से धन लीजिए, विवाह कर लीजिए, वापस कर देंगे ये कर्ज। सेठ से धन लिया गया, कन्या का विवाह हुआ, बच्चों ने कमा कर धन दिया, पिता से कहा, पिताजी नगर सेठ का धन वापस कर आइए। भोला पहुंचे, सेठ जी को रकम दी, बदले में नगर सेठ ने एक कागज पर लिख कर दिया कि भोला का सारा हिसाब चुकता हो गया है। भोला से कहा, एक बार पढ़ लो ध्यान से तुम भी। भोला भगत ने अपने स्वभाव से बंधे हुए स्वर में कहा, मैं क्या जानूं, रघुनाथ जी जाने। सेठ को लगा, ये तो परम मूर्ख इंसान है, इसे तो मैं दोबारा भी पैसे ले सकता हूं। अब भोला का ध्यान दूसरी ओर किया, जो असली रसीद थी अपने पास रख ली और एक खाली बेकार सा कागज भोला के हाथ में दे दिया। कुछ दिन बाद उस नगर सेठ ने खुद ही भोला भगत पर मुकदमा दायर कर दिया कि इसने मुझसे कर्ज लिया पर आज तक इसने मेरा कर्जा नहीं चुकाया। भोला भगत अदालत पहुंचे। जज साहब सात्विक स्वभाव के थे, पर क्या करें, जिस जगह पर वो बैठे हैं वो अदालत प्रमाण मांगती है। भोला को देखकर जज साहब समझ रहे हैं कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है, पर सेठ के पास कोई सबूत है कि वो कह रहा है और भोला के पास कोई सबूत नहीं जो अपनी बेगुनाही वो दे सके। जज साहब ने भोला भगत से कहा, भोला तुमने क्या सेठ को पैसे दिए? भोला भगत ने कहा, जी दिए। भोला तुम दोनों के सिवा कोई वहां ऐसा तीसरा था जो ये बात आकर अदालत में कह सके कि हाँ तूने पैसे दिए? क्या किसी ने देखा, कोई था वहां? भोला भगत ने कहा, मेरे रघुनाथ जी थे। जज साहब को लगा रघुनाथ जी गांव के किसी व्यक्ति का नाम है। जज साहब ने रघुनाथ जी के नाम का सम्मन जारी कर दिया। सम्मन लेकर सिपाही पूरे गांव में भटक रहा है, यहाँ कोई रघुनाथ जी है क्या, यहाँ कोई रघुनाथ जी है क्या। सुबह से निकला, दोपहर हो गई, दोपहर से शाम होने को है, परेशान हो गया, कोई रघुनाथ जी है यहाँ? गांव के एक व्यक्ति ने रघुनाथ जी के मंदिर का पता दे दिया। वहां पर ये सेवक पहुंचा, पुजारी जी बाहर निकले, बोला रघुनाथ जी यहीं रहते हैं? पुजारी जी ने कहा हाँ। पुजारी जी ने तो मंदिर के भीतर बैठे हुए को बोला था यहीं रहते हैं। ये व्यक्ति इतना परेशान हो चुका था, इसे लगा पुजारी जी का ही नाम रघुनाथ जी है। इसने आनन फानन में सम्मन पुजारी जी को पकड़ाया, वहां से रवाना हो गया। पुजारी जी लेकिन समझ गए, पुजारी जी मंदिर के भीतर पहुंचे, वो सम्मन ठाकुर जी के चरणों में रखा। रखते हुए पुजारी जी ने कहा, प्रभु आज तक आपको विवाह के बहुत सारे न्योते आए, हर घर की खुशहाली का निमंत्रण पत्र आया, पहली बार आपके नाम का सम्मन जारी हुआ है,
और जिस भी भक्त ने ये बोला होगा प्रभु, उस भक्त का आपके सिवा कोई है नहीं जो उसकी मदद कर सके। कहीं जाना चाहे मत जाना, पर वहां समय पर जरूर पहुंच जाना। वो दिन आया जिस दिन रघुनाथ जी को अदालत में हाजिर होना है। पुजारी जी ने जितने कपड़े ठाकुर जी थे सारे कपड़ों की गट्ठर लाकर रघुनाथ जी के सामने रख दी। पहली बार अदालत जा रहे हो, जो अच्छा लगे वही पहनना। समय से जाना, द्रौपदी की तरह देर मत कर देना। रघुनाथ जी पहुंचे अदालत में, पूरी अदालत लगी हुई है, रघुनाथ जी का इंतजार हो रहा है। आवाज लगाई गई, हाजिर हो, ऐसे तीन नारे जो लगाए हैं। चाल अटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह है, धोती बंधी फटी सी, शीश बांधे धरी धाए हैं। हाथ माही छड़ी पड़ी तुलसी की माल ही है, माथे पर रोली चारु चंदन लगाए हैं। साहब के सामने विनीत चपरासी साध, आज रघुनाथ जी गवाह बनी आए। जैसे ही रघुनाथ जी के नाम की तीन बार उद्घोषणा हुई, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, देखते देखते अदालत के द्वार से एक वृद्ध व्यक्ति जिसके कपड़े फटे हैं, झुकी सी कमर है, हाथ में छड़ी है, गले में तुलसी की माला है, माथे पर चंदन लगा है, और लड़खड़ाते कदमों से वो व्यक्ति आया और कटघरे के भीतर जाकर खड़ा हो गया। जस साहब ने कहा, आप रघुनाथ जी हैं? ठाकुर जी ने कहा, हाँ मैं ही रघुनाथ जी। तो क्या आपने उस दिन देखा था जब भोला ने सेठ को पैसे दिए, कोई आप कोई गवाह दे सकते हैं, कुछ ऐसा प्रमाण दे सकते हैं? रघुनाथ जी से कौन सी बात छुपी संसार की? ठाकुर जी ने कहा, जस साहब, सेठ की अलमारी के तीसरे नंबर के खाने में जो एक लाल रंग की फाइल है, लाल रंग की फाइल के चौथे पेज के नीचे रसीद दबी हुई है, अभी सेवक को भेजो, वो वहीं मिलेगी। सेवक गया, रसीद मिली, सेठ को सजा हुई, भोला बरी हुआ, पर आज जज साहब बैठे हुए हैं। जिंदगी बीत गई मुकदमे हल करते करते, ऐसा गवाह मैंने आज तक नहीं देखा, ऐसा गवाह और ऐसी गवाही मैंने जीवन में नहीं देखी। वो कौन था? सिपाही को बुलाया, क्या क्या ये रघुनाथ जी थे? सिपाही पहले डरा, फिर बोला, नहीं, सम्मन लेने वाले ये तो नहीं थे। जज साहब ने कहा, मुझे लेकर चलो, कहाँ तूने सम्मन दिया था? सिपाही लेकर मंदिर पहुंचा, पुजारी जी निकले, सेवक ने कहा, मैंने इनको सम्मन दिया था, यही तो रघुनाथ जी हैं। जस साहब ने कहा, आप रघुनाथ जी हैं? जस साहब मंदिर के द्वार पर खड़े थे, द्वार से किनारे हटे, इशारा किया, जस साहब मैं रघुनाथ जी ने, ये जो भीतर बैठा है ये रघुनाथ जी है, ये रघुनाथ जी। जस साहब ने देखा, जो दृश्य देखा, जो कानों से सुना, विश्वास नहीं हुआ। अपने कमरे में जज साहब आए, रोते रोते पूरा दिन बीत गया। शेष महेश गणेश दिनेश हूं के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई प्रभु आज अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। जो शेष महेश गणेश दिनेश के ध्यान तक में नहीं आता, वो भगवान आज एक केवट का गवाह बन करके अदालत में हाजिर हो गया। सेवक कहता है, अरे मालिक, आप तो भाग्यशाली हो, आपको भगवान दिख गए, इसमें रोने की क्या बात है, आपको खुश होना चाहिए। जज साहब ने कहा, मैं दुखी नहीं हूं, मैं इस बात से बहुत खुश हूं, सुख धोखे हु दर्श दिए को भयो, सुख दुख ना हिन की तजी जाते रहे। मुझे सुख है कि धोखे से भी सही दर्शन तो मिला, मुझे दुख नहीं कि वो मुझे छोड़ के चला गया। सेवक कहता है, फिर क्यों रो रहे हो आप?
जज साहब ने कहा, एक ही बात का आज मुझे दुख हो रहा है, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मुझे एक बात की बस पीड़ा है, भगवान मेरे सामने आए, मैं कुर्सी पर बैठा रहा, भगवान को मैंने कटघरे में घंटों खड़ा रखा, उनसे सवाल जवाब किया, मैंने भगवान को खड़ा रखा, मैं जज बन के कुर्सी पे बैठा रहा। जज साहब ने उसी दिन अपने पद से इस्तीफा दिया, वृंदावन चले गए, लेकिन मंदिर के सामने जाएं, मंदिर के भीतर ना जाएं, दिन भर खड़े रहें, बहुत कम समय बैठे। लोग पूछे, आप मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाते? जज साहब कहते, ये मेरे सामने आए थे, मैंने इनको घंटों खड़ा रखा था, अब इनसे नज़र मिलाने की मेरी हिम्मत नहीं है, मैं इनसे नेत्र मिला सकूं, मेरे अंदर वो साहस नहीं होता, क्या नजरें मिलाऊंगा, क्या सोचेंगे, मैं इसके द्वार पर गया था, इसने मुझे खड़ा रखा था, जीवन बिता दिया, पर ठाकुर जी के मंदिर जाकर दर्शन ना कर सके। ये पूरी कथा सुनाने के पीछे आपसे निवेदन मेरा सिर्फ इतना सा है, अगर भोला के विश्वास को रघुनाथ जी पूरा करते हैं तो यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति के विश्वास को पूर्ण करने की सामर्थ्य रघुनाथ जी रखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वो विश्वास आ जाए, सुख हो तो भी वही विश्वास हो, दुख में जो करुण पुकार हृदय से निकलती है, सुख की बेला में भी वही पुकार होनी चाहिए। दुख का साक्षी और साथी अगर भगवान को बनाते हैं तो सुख का भी पहला साथी ईश्वर होना चाहिए। दुख आता है, भगवान को याद करते हैं तो जीवन की पहली खुशी भी भगवान से बांटिए, मुझे आपकी कृपा से ये मिला है, मेरी क्या मजाल। हम भली प्रकार जानते हैं, ना अच्छा हमारे हाथ का है ना बुरा हमारे हाथ का है, सिर्फ कर्म हमारे हाथ में है, उस कर्म के बदले का फल क्या होगा ये तो हमें, किसान भी बीज डालता है, बाकी चीजें मौसम पर छोड़ देता है, वर्षा और प्रकृति निर्धारित करती है कि फसल कितनी होगी, वो अपना कर्म करता है।